बड़ा मजेदार गीत बजाए देना हमरे मास्टर साहब। नाच समयाना में नाच जमल बा, नाचे वाली लौंडिया एकदम थक गई नाचत नाचे। नचवावे वाले एकदम मजा लेत हुआ हर तरीके से, लेकिन लड़की कहल था कि अब ना नाचब तब तलक एक रंग रूठ लड़का, रंगदार लड़का बंदूक के नोक पे लेके खड़ा हो गयल। लड़की कलस तैसा सुनबा हमार का कहलत, कब बेली कब बाप तू नचवाला, आप लोगों के सामने हास रस के बिरहा प्रस्तुत बा। बिरहा तो आप लोग बहुत सुन ले हो बा, लेकिन बिरहा में जनरल नॉलेज और हंसी और समाज को संदेश, एक कम पढ़ा लिखा बड़े बड़े पढ़वैयन के बड़े बड़े ज्ञानीन के दांत खट्टा कह दिलन। तो के हो राज दरबार सजल बा, राज में तमाम मंत्री से लेकर संतरी से लेके रतन हीरा मोती सब हुआ। राजा के उदासी का कारण बा, भूमिका के अंदर भाव बा। चढ़ती जवानी ले नव पल्लवित ले, लचकती कमर और कदम डगमगाए, कमल सी खिली चाल गजनी गजब की, चंदा सी सूरत जब घूंघट उठाए, सुमुख सुंदरी राज कन्या कुमारी, राजा सुदेवल की बाला सयानी, पिता की उदासी थी बेटी की शादी, दिन गिन गिना करके होती गलानी। राजा सुदेवल के एक के बिटिया, सब कुछ बा, बिटिया सयान हो गई, शादी का चिंता। लोग बतावलन की सबसे बड़ी चिंता जेकर बिटिया सयान बा, लोग सोचे ला कि बिटिया के शादी हो जाए। तमाम लोगन में चर्चा परिचर्चा कह देलन। राजकुमारी कहली कि बाऊ पगलायल हुआ का, हमार शादी ऐसे ना होई। तब कैसे होई? कह हम जैसे चाहब तैसे होई। बाऊ कहले अब ले कैसे चाहबू, कह हम कुछ सवाल करब हमरे सवाल का जवाब जे दे दे हमरे राज दरबार में तब स्वयंवर होई।
जो जवाब दे दई वही से हमार शादी हुई। ऐसनो बा का इतना हमार बिटिया बुद्धिमान पढ़ी लिखी हो गई बा का सवाल कैले रहल एक लाइन तर्ज लग गल बाबू तर्ज है बाराम ब्रिज हमरे मिर्जापुर जिला का शानदार भाव होई कैसे अरे सुन कैला बलमू हो सुन कैला बलमू की कचौड़ी गली सुन कैला राजा मोर अरे मिर्जापुर के कैला गुलाजार हो कचौड़ी गली सुन कैला बलमू मिर्जापुर के कैला गुलजार हो लेकिन राजकुमारी कहलिन कि बाबू शादी हमार ओसे होई कैसे होई अरे रचाई जाई बाबूजी अरे रचाई जाई बाबूजी की सदिया रचाई जाई बाबूजी अरे प्रश्न के जवाब जे बताई दे सदिया रचाई जाई बाबूजी प्रश्न के हमारे प्रश्न का जवाब जो सही सही बताई वही से शादी रचाई सवाल का हो जीरो से अट्ठाईस तक जे गिनती गिनाई बाबू कहले ई कौन तो सवाल आ गए जीरो से अट्ठाईस तक गिनती कह नहीं बाबू आ गिनती का अलग अलग मतलब जे बताई गिनती का अलग मतलब बता दई तब अरे बनब दुलहिन आऊ हो अरे बनब दुलहिन आऊ हो अरे दुल्हा कहाय जाई सदिया रचाई जाई बाबूजी सदिया रचाई जाई बाबूजी प्रश्न का जवाब जे बताय जाई सदिया रचाई जाई बाबूजी ज्ञानी पहुंचे लगले राज दरबार में कि मर्दे यहां से जीरो से अट्ठाईस तक गिनती तो हमन बताए दिल जाई और राजकुमारी से ब्याह भी कह लिहल जाई ऐलान रहल कि जे जवाब बताए दे जे प्रश्न का जवाब सही सही बता दे उसे ब्याह हो जाई के राजपाट भी दे दे और जे नो बता पाई वो जेल में जाई बड़े बड़े लोग बतावे बदे अइले
अनाही बताइले ताजलिया में गईले भीड़ जुटा है। तब तलक बहरवा सिवान में एक आदमी के मालूम चलल के रहलू आदमी भेड़िया चरावत तबले भेड़िया चरावत तबले बुद्धू पाल गईले आई सदिया रचाई जाई रनिया सदिया रचाई जाई रनिया कहला अलगे अलगे अरे अलगे अलगे सब दरसाई जाई सदिया रचाई जाई रनिया जवान भेड़ चरावता दिखलस बड़ा हल्ला गुल्ला पूछत हो का यार कैसन यहाँ भीड़ भाड़ हो राजा के दरवाजे पर कहे यार तू अपन भेड़ चरावत तो उसे का मतलब है कनाई तो बताओ। एक जने अला कहले कि भैया ये कुछ बात नहीं हो स्वयंवर रचले हैं जे उनके सवाल का जवाब दे दे उनसे ब्याह के लिए कहले कि तई मर्दे हमारा भेड़िया देखित कि का कैसन सवाल हो मर्दवा तू पगला हुआ अपन भेड़ बकरी देखा तो हरे बस कनाई हो कह मर्दे हम पाल वंश का लड़का है राज माता हिल्या बाई होलकर के खानदान कही भले भेड़ चराव थी मर्दे कंबल ओढ़ ले एक पते समझो तू का फेकलन अपन लगी लग गा चलन राज दरबार में कुछ लोग रोकल चाहत हो कह रहे गड़ेरिया साहब कहाँ से आगे ले कह मर्दे का बात हो तई जाए तो हमू के अंदर मंत्री कहलन कि तोहरे बस का नहीं हो पाल जी अपन भेड़ देखा कह नहीं हम जाई गईलन कुर्ता उर्ता तो गंदा हो कंबल ओढ़ले हुआ लेकिन जब राज दरबार में राजकुमारी देखलिन कि एक पाल जी भी बतावल चाहत हो कह हमके आलतू फालतू पाल मत समझा कह का करबा भैया तू लोग हंसत हो राज दरबार में जितना लोग जेल में हुआ बहरे हुआ सब हंसे लगल पाल जी के देख के पाल जी एक बात कहलन तेरी के अंदर भाव है अरे पाजी है पाजी घर की जिंदगी ए भैया बाजी है बाजी घर की जिंदगी अरे पुथू पाल कहला चिरई अब अंदाजी अरे अंदाजी अरे अंदाजी कह हमके भेड़ के चरवाहा समझ के भगावत हो का हो तोहर सवाल राजकुमारी कहली 0 से 28 तक गिनती का मतलब बताए देबा ना तब तो उसे ब्याह कह ले ब्याह का नाम सुनते पाल जी थोड़ा सा मुस्कुराए लगले कह अरे हमसे ब्याह कह लेबू खूब समझ के कहा राजकुमारी कहली आए गल हुआ तो तुहू कुछ बोल बतियाला कुछ बतायला नहीं तुहू के जेले में जाए के बाद भेड़ बकरी ओहरा रह जई हन का पाल जी कहे तुहार जवाब दे दे तब कहे ब्याह कह ले कहे खूब कहे कहे एकदम फक्का पाल जी बतावत हुआ कैसे भैया चौक के अंदर भाव है बुद्धू पाल कहे ए राजकुमारी अरे जीरो में है सारी दुनिया यह दलला ले जाओ राजकुमारी सुना जीरो में है सारी दुनिया सबका मालिक है
गोपाल जी कहले जीरो से जीरो में है सारी दुनिया, दुनिया गोल है, सबका मालिक एक है, दू में दुए जात बा नर नारी, तीन में तीन लोग, चार में चार वेद, पांच में पांच तत्व से ही काया बनल बा, छह में छह से छह शास्त्र। जितना कैदी रहलन तड़ 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 ताली बजावे लगले कि बारे पाल लगत हो हमन के बन जाई हाल, छुट्टी हो जाई हमन के। राजकुमारी के जैसे सांप सुंगेल की, अरे तो गडेरिया साहब सही बतावत हो। अच्छा वो राज दरबार में विद्वान भी लोग बैठल बा, सब टिक लगावे लगल कि नहीं पाल जी सही कह रहे हैं। कहे और सुना का बताओ तुम, तरज बदल गई। कौनो दुल्हन अपने दुल्हा से कहता, अरे जाई पलक में मुखिया के हक में आधार कार्ड बनाता, बनवाओ थो देखता कहीं भतार कार्ड बनत हो तो हम बनवा ले। लेकिन पाल भी बताओ थो आगे का कहानी, छह तक बतौले हन, सतवा का मतलब का हुई तनी आप लोग भी विचार करो, पढ़े लिखे लोग बैठल बड़ा। पाल जी के बुद्धिमानी का हो, सात दिना का सप्ताह, सात दिना का सप्ताह, सात दिना का सप्ताह करा गुना सिद्धि, नौ निधि, दस में का होई दस इंद्री दस दिशा हुए महान हो, और हवा ग्यारह हवा रुद्र वीर हनुमान हो, वीर बजरंग बली हनुमान ग्यारहवा रुद्र भगवान भोलेनाथ के। कहला घबरा मत जहाँ ले गोरी।
ग्यारह तक गिनाए देलन। सब कैदी भी धीरे धीरे कहने कि अरे यार तो पाल जी बड़ा जानकार हो। बुद्धू पाल कहे कि अब ही लोग हल्के में मानत रहला हंसत रहला न। धनगर गड़ेरिया है हम, भेड़ का चरवा जरूर रही, अपने काम से हम विचलित ना होइला, अपन काम करे में कौन शरम बा। लेकिन ज्ञान पोर पोर में भरल बा। पाल जी बतावत हुआ अगली लाइन में। ग्यारह हो गल, बारहवा का मतलब का हुई। बारह महीनावा में होला एक साल हो, तेरह दिन में तेरही होला सुनला भूपाल हो, एक साल, तेरह में तेरह दिन के तेरे ही, चौदह में चौदह समुद्र मंथन भल तो चौदह प्रकार का रतन निकले। बाबू पाल जी के लोग देखलन तो एक बार विश्वास ना हो तो कितना जानकारी है। पाल कहले का हो कैसन बड़ा शांत बैठल हुआ जा। राजकुमारी कहले आगे भी आवला, कहे कि आदेश हो तो कही मोहतरमा। चलल जा अपन धंधा पानी करल जा। कहे भोला पंद्रह का मतलब बताओ तो भाव बदलल। अरे तो जवानी में केतनन के खैला बाबू, यही बुढ़ौती में का उधैला बाबू, पाल कहे पंद्रह का मतलब सुन बतावत ही। का बतैलन भैया? अरे पंद्रह दिन का पाख होला, पंद्रह दिन का पक्ष होला, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष से अंधेरा और अजोरा। कैसे? अरे पंद्रह दिन का पाख होला, आधा महीनावा अगिनावे गिनाती बुद्धू डटके जवनवा। सोलह में क्या हुई? सोलह में सुहागिन कर सोलह सिंगरवा, अन्नक सिख से साजे अपन सुंदरी चेहरावा।
पंद्रह दिन के पाक, सोलह में सोलह सिंगार, नख से सिख तक, नाखून से सिख तक, सोलह में सिंदूर जो श्रृंगार होता है पति और पत्नी की निशानी। पाल जी का बात सुन के राजकुमारी एकदम जैसे लगा था कि चक्कर आ जाए। करे पाल जी, इतना ज्ञानी हुआ तू, एक गुल इतना जानकारी रख के भेड़ चरावत हुआ। कम अपन काम करे थे हो मोहतरमा, अपन काम करे में कौन शरम बा। कहे और सत्रह का मतलब का हुई, सत्रह बार गजन कैलस हिंद पर चढ़ैया, वीर पृथ्वीराज सिंह से भाईली लड़ैया। मोहम्मद गजनवी सत्रह बार हिंदुस्तान पर चढ़ाई किया था, सत्रह से अठारह में क्या हुई। अरे हवा अठारह में, अरे अठारह हो पुरनवा, गिनावे गिनती बुद्धू डट के जवनवा, बुद्धू डट के गिनावे गिनती बुद्धू डट के जवनवा। अठारह में अठारह पुराण। बाप रे बाप, इतना ज्ञान भरल बा पाल जी के, देख के लोग हंसत हुए। कुछ लोग तो सोचलन कि अब तक पाल जी मारलन रानी के, राजकुमारी के बियाह के ले जी हैं। अब भाई बेइज्जती राज दरबार का, एक गड़ेरिया वंश का लड़का भेंट चराव वाला लेके जाई राजकुमारी के। आज लोग हंसत हुए, तर्क मिलावत हुए। भैया हो ओ नहीं, इसका मतलब का हुई, तर्ज बदल मुन्ना। माता पार्वती अपने बौरहवा पतिदेव भोलेनाथ का पहचान बतावत इनका। ना छप्पर ना छानी सब कहे लायो घरदानी, धोती सिर बहेला गंगा पानी, ना छप्पर ना छानी सब कहे लयो भड़दानी, ना कुर्ता ना धोती सिर बहेला गंगा पानी। धतूर पियबे पतिया हो, डिम डिम डामरू बजावे लन हमार जोगिया, हो डिम डिम डामरू बजावे लन हमार जोगिया। ए भैया बतावत हुआ पाल जी, उन्नीस का मतलब का हुई। उन्नीस तक गिनती लिखबा इकाई और दहाई, उन्नीस तक गिनती लिखबा इकाई और दहाई, उन्नीस तक गिनती लिखबा। कौनो संख्या में कौनो अंक में उन्नीस जीरो लगाए देबा तो महासंख हो जाए। महासंख तक गिनती इतने में होई जाई, हाय रे। उन्नीस तक गिनती लिखबा इकाई और दहाई, महासंख तक गिनती इतने में होई जाई। अब ही आगवा का सुना दास्तान चिरई हो, काहे होत बाड़ू ये तना उतान चिरई हो, काहे होत बाड़ू ये तना
19 तक हो गया, 20 का मतलब का होई? 20 भुजा रावण के जग जाहिर बा जवानी, 20 भुजा कंधर रावण के 20 भुजा रहल ऐसे नाम बनबू तब 20 भेड़ के एक कोरी कहल ई हमार शब्दकोश हो। पाल जी कहल कि 20 भेड़ के एक कोरी कहल, हाँ एक कोरी के 20 भेड़ी। 21 में 21 बार छत्रिन का परशुराम कैले हानि, हाय 21 बार छत्रिन का परशुराम कैले हानि, 21 बार छत्रिन का परशुराम परशुराम जो कि पड़े ही बलशाली ब्राह्मण थे, 21 बार छत्रियन का मार गिरोल दोनों में एक वंश है वंश का एकदम खत्मा कह दिल। कैसे हाय हाय वंश का मिटवलन इंसान चिराई हो काहे होत बाड़ू ये तना उतान चिराई हो काहे होत बाड़ू ये तना इस बार छत्रिन के परशुराम मार डलन एक वंश का छत्रिन ठाकुरन के एक वंश का हानि कह दिलन। कौन है वंश धरती पर है वंश ठाकुरन के नहीं बा। अरे बाप रे इतना ज्ञाता पाल बारे पाल जी सब ताली बजावा था कुछ विद्वान बैठल हुआ दिमाग में बैठल बा लोगन के कि पाल जी तो ले गए हैं राजकुमारी के आल्हा के अंदर भाव बाप 22 का मतलब का हुई। अरे 22 बरस में बनल 22 बरस में बनल आगरे का ताज महल, खात जवन होला
पाल जी कहला सुना राजकुमारी अपने पत्नी मुमताज के याद में शाहजहां 22 बरस में आगरा के ताजमहल बनलो रहलन। प्यार का निशानी आज हमरो तोहार प्यार लगता हो जाई। भेड़ बहरे चरत हैं लेकिन जब देखलन कि करीब आ गेल ही तो निगाह से निरखे लगलन कि राजकुमारी क्या है। हाय हाय हाय, 23 किस्म का नरक के दुनिया में बाए धरती पर बा। पद्म पुराण में भैया लोग पढ़ लिया साक्षी में पद्म पुराण बा। 24 घंटा में दिन और रात होला। 25 दिसंबर के बड़ा दिन होला। 26 जनवरी के बाबा भीमराव अम्बेडकर संविधान लागू कैले। अरे बाप रे बाप, ज्ञान का खोपड़ी ठनक गई राजकुमारी का दिमाग। कहें पाल और आगे कहें 27 ठे नखत हो हथिया उत्तरा चित्रा मघास रेखा पुनर्वास। 28 से 28 दिनांक फरवरी महीना होला। 28 तक बतावे के रहल लेकिन पाल जी बढ़ल गए। 29 का भी महीना होला, 30 का भी महीना होला, 31 बाण का कहानी जनते हो, 32 दांत होला, 33 करोड़ देवी देवता रोक लेना पकड़ लेना विद्वान लोग। अरे 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 बस करा पाल जी, मान गई कहे हम भाई सैकड़ों बता दे, खड़े खड़े हजारों बता दे, हमके हल्का फुल्का गड़ेर वंश को मत समझा। अरे बाप रे बाप, रोक लेलन सब कहले। तब पाल जी एकदम मुस्किया लगलन। घरे अपने सनेस को होलन कहलन कि चल जाते हमरे माई से कहता कि ऐसा ऐसा बात हो और हम सवाल बता दे ले हमारा ब्याह हुई। माई से हमरे बता दिया। राजकुमारी जयमाल लेके खड़ी है इनकी अब ब्याहवा तक करे के बाद कलाई पकड़ लेलन अधिकार होगल। भाई सवाल का जवाब दे देलन पाल के हिम्मत होगल। जितना जेल में राजा महाराजा ज्ञानी विज्ञानी रहलन सब कलन के अब लगत हो कि अब जिंदगी बच जाई नहीं तो सर्वा जेल में सड़े पड़त। पाल जी पकड़ के कलाई कहलन का कहलन रंगोली हो रंग महल में बोला से सजाइबू कि हमारे संग में चल के चिड़ई घूम घूम भेड़ चरैबू कि कटबू संग में सोना चलिया जावली मेला। राजकुमारी के बाबू राजा साहब कहलन की पगलाइल रहलू है। कहत रही की बढ़िया घर पर देख के तुहार ब्याह कह दी तो तू चल ललू स्वयंवर रचावे सवाल पूछे। पाल जी के गले में पूरे समाज के बीच में जयमाला पड़ल लगल मंगल गीत गवाए। तब मंगल गीत गवाए लागल जुटली सब नर नारी नाचे गावे खुशी में झूमे बुद्धू का महतारी। अरे तरखल पाल बंस का पनिया जवानी आई मेला। जोने के कलर ने भेड़िया देखे के आल कलर सर पाल जी तुहार भेड़ हर गई लीन। पाल जी कलर भाग भेड़न का व्यवस्था करवा देलन। बहुत बढ़िया अरेंजमेंट भयल बिरादरी के नाम कहले। माई बड़ा खुशी भइल कारे हमार बेटवा इतना बड़ा तू काम के देला इतना बड़ा राजमहल दिवा देला हमके। माई बड़ा खुशी में झूमा था लेकिन बुद्धू का नाम वहां बुद्धदेव हो गए। कैसे बुद्धू से बुद्धदेव हुए राजा बुद्धदेव कहाए सगुन सुहाग महल में बीतल राज रियासत पाए। अरे तब पाए सुंदर दुलहिनिया जवनिया में अपने बुद्धिमानी के बल पे एक बहुत बड़ा कामयाबी प्राप्त की। बुद्धू से बुद्धदेव हुए
राजा बुद्ध देव कहाए, सगुन सुहाग महल में बीतल राज रियासत पाए, पाए सुंदर दुल्हनिया जवनिये में ना। भैया हो गीत अगर बढ़िया लगल हुई तो आप लोग चैनल के सब्सक्राइब कह दिया, लाइक कमेंट कह दिया, शेयर कह दिया, जरूर आशीर्वाद एक कलाकार के आप लोग दिया। अंतिम लाइन में कहना बा, गुरमहाल गुरु हरिवंश जी रमाकांत हरि धाम, कथन करे कभी नौरसिया कभी राम बलि श्री राम। अरे बाजी है बाजीगर की जिंदगी